हे एवरीबडी, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू गाइस आर कोरोना फ्री बहुत ज़्यादा। एंड मेरे लिए इट्स गेटिंग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड बिकॉज बहुत टाइम बाद पकड़ा इतने ढाई तीन महीने हो गए यार फोन को ऐसे पकड़े हुए। मतलब जैसे जैसे करके मिस्टर बनवाल के पीछे आ जाता हूँ बट कैमरा पकड़े हुए इट्स बिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। सो गाइस, इसी बात पे मिस्टर बनवाल डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। एंड अनदर थिंग इज दैट वेले 10K हो गए ब्रो, 10K की खुशी में तुम्हारा भाई बैक आ रहा है वापस बैक इन बिजनेस। तो आई वांट टू थैंक यू ऑल, वी वांट टू थैंक यू ऑल, आपने जिसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है। दो हम हैं और दो परिंदे दिल्ली के अंदर हैं, उनकी तरफ से भी थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने सब्सक्राइब किया और इतना ट्रस्ट दिखाया अब तक। और हम यार इट्स बहुत ज्यादा हार्ड है कि व्लॉग करना इस लॉकडाउन के टाइम। मेन हम जो इस चैनल पे व्लॉग नहीं कर रहे हैं उसका ये रीजन है कि हम चारों इकट्ठे नहीं हो रहे एंड मैं अकेले करे जा रहा हूँ तो फिर बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोगों को लगता है वो मेरा चैनल है। तो इस वजह से मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपना अलग चैनल बना रखा है उस पर मैं सोलो करता रहता हूँ, जब हम इकट्ठे होते हैं तो इस चैनल पे ब्लॉग करते हैं। तो आज का सीन ना बड़ा कहना वाला है कि हम लोग अभी मार्केट जा रहे हैं एंड मार्केट बहुत ही कैडा सा चीज़ है, कुछ काम है, कुछ खरीद के लाना है, कुछ खरीद के लाना है, समथिंग इज कमिंग होम। तो अभी एक सीन ये है कि अभी हम पापा थे तो हम सामने बोले नहीं, अभी हम लोग उनका फ़ोन टूट चुका है तो उनको एक नया फ़ोन ला के दे रहे, काम चलाओ एक बारी को। तो उसका व्लॉग मेरे दूसरे चैनल पे आएगा तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जैसा कि मैं बता दिया तो उस पर देख लेना। सो व्हाट कैन गो वर्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माय व्लॉगिंग, द मेन मुद्दा ऑफ व्लॉग, जिस शॉप पे आए लेने के लिए साला शॉप ही बंद है, मैं बंदा ही बैठ लगू मैं कह रहा हूँ। तो आई डोंट नो अब आगे क्या सीन है, अबे और भी बहुत सारी शॉप है किसी भी मिल जाएगा या अभी और एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा, बट हाँ थोड़ा एक्सप्लोर मारना पड़ेगा। इसका पता था कि यहाँ पे मिल जाएगा बट ये शॉप बंद है तो अभी मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा। तो पता चला हम दुकान की गलत आगे खड़े, गलत दुकान के आगे खड़े थे, अब हम जैसे जैसे सही पता है पहुंचे हैं। एंड सो आई थिंक यहाँ पे हमारा काम हो जाना चाहिए, दिस इज द प्लेस स्पोर्ट्स सब करके है। और द थिंग इज हम यहाँ पे आए हैं क्या करने आए हैं, जिम इक्विपमेंट्स लेने आए हैं। जिम इक्विपमेंट नहीं बोलते होते भाई उसको, हम लेने आए सिर्फ वेट्स, एक रॉड और एक थोड़ा सा वो जिम का इक्विपमेंट होता है। अरे वो इक्विपमेंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती है, हम अ कपल ऑफ जिम इक्विपमेंट लेने आए हैं, सारे नहीं लेने आए। दिस इज एक्चुअली अराउंड 50 किलो, 10 किलो, एक ये 10 के 2, 5 के 2 और 4 किलो के 4, एक एक किलो के 4। ये वो डम्बल वाला सोचा गूगल पे कर देंगे लेकिन गूगल पे नहीं चल रहा, सोचा फोन पे कर देंगे फोन पे नहीं चल रहा, बिल्कुल कैशलेस चले गए। एंड देन जाने वाला पता क्या चला कि मैंने पेमेंट कर दी, ट्रांजैक्ट कर दी, उस पे आ गया योर ट्रांजेक्शन हैज बीन रिसीव्ड, बैंक के पास आ गई, अब बैंक उसे 3 दिन में क्लियर कर देगा। अब दुकान पे खड़े हम क्या करें भाई, अब हमने थोड़ा लगाया है कि हम भाई को कैश दे देंगे और जब आएंगे तो अगर भगवान का बंदा निकला तो वापस कर देगा और तेज निकला तो भाई खाएगा गए पैसे डबल डबल। तो हमें ना 50 किलो वजन रॉड वगैरह सब करके हमें 3,000 का मिल गया सब कुछ, चीप है बिल्कुल चीप है। तो जो फोन लेने आए वहाँ पे सोचा लगे एप्पल वॉच का भी कुछ करवा लें, सेटिंग वेटिंग जुगाड़ सी, कल परसों भाई आया था उसने कहा था उसने लेमिनेट करवाया स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया तो कह रहा बहुत सही लग रहा है, पता लग रहा है उसका वो उसमें बेकार हो गया था यार, स्क्रीन गार्ड आता ना वो बेकार था तो उसमें हवा भरना। और मैंने मेरी एप्पल वॉच की धजिया उड़ा के रख रखी है, मतलब स्क्रैच कितने लग सकते हैं, आधा उखड़ा हुआ टेम्पर्ड मतलब जो लग सकता है वो करवा रखा है एप्पल वॉच में, आई नीड टू रिन्यू दैट। अभी सीन क्या हुआ कि जो मैं बात कर रहा था पैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मेरे से कट गए, लॉन्डे को कॉल किया भाई को, वो कह रहा है नहीं आए उस पर, अब हम उससे लड़ नहीं सकते, अब पता नहीं क्या सीन है, खाएगा क्या करेगा बट करना पड़ेगा, हम कैश निकलवा के जाएंगे, अगर उस पर पहुँच जाएंगे तो कैश जेब में पड़ा रहेगा अदरवाइज कैश ले लेंगे और जब भी उससे आएंगे तो वापस मांग लेंगे, देखो अब जो भी होता है। तो जो छोटा मोटा काम तो वो निपटा लिया है एंड हेडिंग बैक टू द जोन जहाँ पे हमें हमारे पैसे डूबते नजर आ रहे हैं। अभी भाई से जाके बात करनी पड़ेगी क्या सीन है, वरना तो लिए और घर की तरफ निकलते हैं, शाम को बोर्डिंग लेनी चालू करनी है। 6 महीने रुजा नहीं, 1 महीने रुजा मेरी बॉडी बनने वाली है, महीने इतर बन जाएगी सॉलिड बॉडी है। तो सीन कुछ ऐसा हुआ है कि मेरे पास से पैसे कट गए हैं, भाई के पास अभी तक नहीं पहुंचे और मेरे गूगल पे में भी दिखा रहा है कि प्रोसेसिंग है, मतलब अभी तक पूरी तरीके से प्रोसेस हुआ नहीं है।
तो अभी ऐसा है कि भाई कह रहा है कि यार जब मेरे पे आएंगे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, अदरवाइज क्या पता तुम्हारे खाते में वापस आ जाए, ढंग से प्रोसेस ना हो। तो अभी हम जोड़ तोड़ के देख रहे हैं, हमारे पास कैश पड़ा है तो हम कैश पेमेंट कर देंगे एंड सामान उठाएंगे, धरेंगे गाड़ी में एंड मूव बैक टू होम, बिकॉज बर्फ़ पड़ रही है 41 डिग्री सेल्सियस। तो भाई एडजस्टमेंट हुई है, वो भाई ने हमारे पास पैसे कम पड़ गए थे, हम कैश जो निकलवाए थे तो एडजस्ट वो हो गया कि अगली बार जब आए तब दे देंगे पैसे बचे हुए। वैसे वो जानता नहीं था हमें, बट हो गया क्योंकि वो बंदे से पता लग जाता है हम जेन्युइन है यार। और यहाँ पे यही गांव की बातचीत होती है और यहाँ पे रोड कुछ ज्यादा कैडी है, तो कैडी रोड को क्रॉस करके जैसे चुक चुक के कर करके हमारे पास 300 रुपए बचे, 320 रुपए कम पड़ गए थे। तो अगर हमारा अगर गूगल पे उसको हो जाता है तो वो हमें वापस कर देगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट हमारी विजिट पे उसे 300 पे कर देंगे, 300 पे कर देंगे। क्योंकि एक रोड जो चेस्ट वाली रोड होती है वो थी नहीं, वो पतली वाली मिल रही थी जो कि हमें चाहिए नहीं थी, पतली वाली में क्या वो वेट हिलता रहता है, एकदम बढ़िया हैवी वाली रोड चाहिए थी, तो वो 2 दिन में मिल जाएगी हमको एंड 50 kg का वेट हो गया, तो अच्छा खासा वर्कआउट कर सकते हैं अभी, अच्छा खासा वर्कआउट होता है तो हम लोग ना जिम जाने के लिए ना ऐसे रोते हैं यार, जिम नहीं जाया जाएगा, अब क्या एक बार इन्वेस्ट करना है ये इस पे, घर पे ले आओ थोड़ा सामान, जिम तो नहीं जा सकते बट वो घर पे करते रहेंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, बार बार जिम की फीस नहीं देनी पड़ेगी। रीच्ड होम एंड अभी क्या बोलते हैं अगला जो पड़ाव है वो थोड़ा शाम को आएगा जब हम रेस्ट करेंगे, लेकिन आपके पास विद इन सेकेंड्स, तो अ फ्यू आवर्स लेटर कुछ समय बाद शाम हो चुकी है, इट्स इवनिंग एंड इट्स 6:15। ये सामान जाएगा ऊपर छत के ऊपर एंड वहाँ पे हमारा पर्सनल यू नो क्या बोलते हैं बाउंसर। तो इसको अब नेकेड करके दिखा रहे हम लोग, ये चार चार एक 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 दस दस पाँच पाँच तो ये समजअप होता है 50 kg अराउंड एंड ये थोड़ा डंबल के लिए एंड दैट्स अ रोड और हमारी एक और रोड बाद में आएगी कुछ समय पश्चात। लॉक्स क्लिपर बोल ले, क्या बोलते लॉक कुछ भी बोल लो, ऐसे इसको ऐसे घुसाने का ऐसे मजा नहीं आएगा, सही घट जा। तो ये कुछ हमने लोवेस्ट वेट से स्टार्ट किया है अभी, तो ये लगभग भी 1.5 किलो का हो गया एक हाथ में, तो मतलब 2.5 किलो से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो ये बाइसेप रोड हो गई और ये लगभग इसमें 8 किलो तो वेट हो गया एंड ये रोड भी लगभग 5-6 किलो की होगी, ज़्यादा ही होगी मेरे ख्याल से, तो ठीक ठाक वेट की होगी ये 12 किलो मेरे ख्याल से। तो फॉर स्टार्ट हमारे पास ये जुगाड़ है, अब इससे सॉलिड बॉडी बनती कि नहीं बनती देखेंगे। वैसे काम चला हुआ है, इतना परफेक्ट तो नहीं है, काम चला हुआ है, ये वेट हिलते रहते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन डेली में जाके कुछ प्रॉपर सेट लेंगे राइट, प्रॉपर इसी को थोड़ा अपग्रेड करेंगे। तो शाम ढल चुकी है, इट्स 6:30, सूरज हुआ मध्यम, मध्यम हो रहा है, हुआ नहीं अभी, प्रोसेस जारी है। मध्यम मतलब डाउन होता है क्या? यस। चांद ढलने लगा ऐसा, तो फिर मतलब मध्यम मतलब उगता हुआ हो गया, चांद खिलने लगा होता है, नीला चांद ढलने नहीं होता क्या? वर्कआउट करते हुए आया था एंड मेरे पूरा जोश में था कि हाँ भाई बॉडी बनानी है, तो मैंने ये तैयार किया था एंड ये लिटरली बहुत सही बना था, बट ना बारिश आई, उसी टाइम बारिश आने लग गई, तो इसको ना कूलर के अंदर रख दिए थे कि कूलर उड़ ना जाए आंधी तूफान की वजह से, तो इसको ऐसे हिलाया सबने, तो ये जो फिक्स किया था वेट ये हिलने लग गया, तो फिर मैंने इसको यूज करना छोड़ दिया क्योंकि फिर मजा आना बंद हो गया। एग्जैक्टली, तो अब थोड़ा बड़े तरीके से यूज करेंगे एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, छोटी मोटी बनी, अब हम हमारे वर्कआउट की तरफ बढ़ेंगे एंड तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल, क्योंकि हमारा एम और ज्यादा बढ़ गया है, या जैसे ही 10K हुए हैं हमारे अंदर हाइप आ चुकी है, तो हम ट्राई करेंगे रेगुलर एज फक होने की, वी कांट प्रॉमिस बट वी विल ट्राई एंड इसी के साथ हमको दोनों भाइयों को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड हमारे दो और लौंडे भाइयों को जो कि मिसिंग है अभी दूर दराज से, डिस्क्रिप्शन में सबका इंस्टाग्राम है, सारे सोशल मीडिया हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, मतलब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो प्लीज फॉर वंस, या पबजी भी खेलते हैं। एग्जैक्टली, सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय और स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।